नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कृष्ण बेदी पर किया हमला। अभय सिंह के विरुद्ध बयान देने पर प्रवीण अत्रे ने कहा कि कृष्ण बेदी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। उन्होंने कहा देश और प्रदेश में नशे का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है, बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने के वे दूसरों पर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। कहा प्रदेश के युवा को बचाने और समर्थ बनाने की बजाय दूसरों के कर्तव्य बोध पर उंगली उठा रहे हैं, इसके लिए उनको चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं पलपल की खास रिपोर्ट। कृष्ण बेदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह की बातें कही, जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो सीधा सीधा उनका अपमान था, ऐसे व्यक्ति से इससे ज्यादा उम्मीद मेरे ख्याल से नहीं की जा सकती। कृष्ण बेदी जी की मुझे लगता है ये दिवालिया मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। कृष्ण बेदी को एक बात समझना चाहिए, आज प्रदेश में नशे का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर है। लगातार इस तरह के मामले जनता के सामने आ रहे हैं। बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने के, बजाय सरकार इस तरह के कदम उठाए कि प्रदेश के युवा के भविष्य को बचाया जा सके, कृष्ण बेदी अर्नगल बयानबाजी में व्यस्त हैं। कृष्ण बेदी हमारे कर्तव्य बोध पे उंगली उठाने की नाहक चेष्टा ना करें, बेहतर होगा वो अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि जिस तरह से नशे का व्यापार जितने बड़े पैमाने पर प्रदेश में हो रहा है, बिना सरकारी संरक्षण के इस तरह के कार्य अपराध नहीं हो सकते, ये सब जानते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता, सरकार के निकम्मेपन की वजह से हरियाणा के युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, इस बात को कृष्ण बेदी को समझना चाहिए।